अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक फार्मूला सॉल्व करनी है। ये फार्मूला इसमें इस एक्सरसाइज में लगती है। ये फार्मूला है फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एन टर्म्स ऑफ एपी का हमें सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जनरल एपी, ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, सो ऑन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं। लेट एस डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी। हम एस डिनोट करते हैं, इसका सम है, इस ए पी का सम है। लेट इज एस इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, सो ऑन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। इस इक्वेशन को जो ये है, इस इक्वेशन को हम रिवराइट करेंगे इन रिवर्स ऑर्डर। रिवराइट द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर वी गेट दिस इक्वेशन को। ये पहली वाली टर्म जो है ये लास्ट में जाएगी, और जो इसकी लास्ट टर्म है वो पहले आएगी जब हम इसका रिवर्स करेंगे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही लास्ट वाली टर्म, प्लस ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू डी, जो इसकी लास्ट बटवन टर्म जो होगी वो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी डी होगी, प्लस सो ऑन, इसकी लास्ट टर्म जो है वो ए होगी। अब हम एड फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका सेकेंड हम नाम रखेंगे। इस इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जब हम ऐड करेंगे, इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म और इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म, ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका हम अगर सम करेंगे, दैट इज़ ए प्लस ए को दैट इज़ इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस इसकी सेकंड टर्म ए प्लस टू ए प्लस डी, और इसकी सेकंड टर्म जो है ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। अगर हम इसका सम करेंगे वो भी निकलेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस सो ऑन, इसकी लास्ट वाली टर्म जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी लास्ट वाली टर्म जो है वो है ए। वी गेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, जो ये nth टाइम्स हमें निकला है, वी गेट एस प्लस एस दैट इज टू एस। वी गेट टू एस इज इक्वल एन टाइम्स जो है ये टू ए प्लस एन माइनस वन डी है, that is n times 2a plus n minus 1 into d, because it is an nth times 2a plus n minus 1 into d. We get s is equal to n divided by 2. ये 2 जो है ये मल्टीपल में जाएगा यहाँ, 2a plus n minus 1 into d. So the sum of first n terms of an ap is given by, जो इस ap का जो हमें सम निकला है वो है s is equal to n divided by 2, 2a plus n minus 1 into d. ये पहले, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू, टू ए जो है ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने किया है, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये निकली है इसकी जनरल फार्मूला, अगर हमें सम ऑफ एन टर्म जो है, अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालने होंगे। इट वाज द जनरल फार्मूला फॉर टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। इसी तरह अगर हमें हम इसका क्वेश्चन पहला करेंगे 5.3 का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पीज। ये ए पी है हमें 2, 7, 12, सो ऑन, ये 10 टर्म्स है, 2, 7, 12, सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, इसका सम निकालना है। अब हम इसका सम कैसे निकाल सकते हैं, देखो, ए पी इज 2, 7, 12, सो ऑन। हियर वी हैव ए इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 5 एंड इज इक्वल टू 10। वी हैव गिवन दैट दीज आर 10 टर्म्स। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाई, जो हमने अभी फार्मूला निकाली है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो हमने अभी ये फार्मूला की है, दैट इज एस 10, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह हमें 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई टू, बिकॉज एन के बदले हम 10 लिख सकते हैं। वी गेट 2 इंटू ए, ए इज 2 फर्स्ट टर्म जो है, प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स हमें 10 है, एन इज 10, एन माइनस 1 इंटू 5, बिकॉज डी इज 5। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, दैट इज एस 10 इज इक्वल टू 245। द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस गिवन ए पी, जो हमें गिवन ए पी है, इसका निकला सम है 10 टर्म्स का सम 245। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं इसके।
सेम। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर टू कल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।